का संडे है, आज हम जाने वाले हमारे नज़दीक जो टी गार्डन है और वाटर स्विच है उनकी तरफ हम जाने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या आपको नज़ारा देखने को मिलेगा और उसमें क्या क्या आप नेचुरल देख सकते हैं, हम सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो का आप इंजॉय के लिए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रोड का नज़र आप देख सकते हैं, तो रूट को मैंने ज़्यादातर स्किप किया हूँ ताकि आपको वक्त ज़्यादा ना लगे। तो फ़ौरन ही मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ टी गार्डन पर। यहाँ पर आपका नज़र आप देख सकते हैं, इसका जो लोकेशन है लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, सब देख सकते हैं। मैं आने में ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगा है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर बीच में एक रास्ता आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम दो टी गार्डन के बीच में जाने वाले हैं। यहाँ पर जो नज़ारा होता है ये अक्सर यहाँ पर आपको वीडियो शूटिंग देखने को मिलेगा, ज़्यादातर यूट्यूबर यहीं पर वीडियो। होता है जो यहाँ पर रहता है, आज संडे है तो संडे के लिए यहाँ पर ये लोग रेस ले रहा है। सो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका संडे का मज़ा ले रहा है, क्योंकि सारे जो यहाँ पर कुछ आप वर्कर को देख रहे हैं जो टी के पत्ते अभी उठा रहा है, लेकिन लोग काम नहीं करते क्योंकि सारे दिन होता है वहाँ पर काम करते हैं। संडे ये रेस्ट लेता है, संडे इसका ऑफ रहता है, लेकिन अक्सर कम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पत्ते उठा रहे हैं, जो टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चले हम और जाते हैं। तो यहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ते एक गांव की तरफ आने वाले हैं, जो यहाँ पर जो वर्कर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड में वर्कर यहाँ पर ठहर रहता है, उसका हाउस है। सो यहाँ पर टी जो वर्कर रहता है यहाँ पर इस साइड में वर्कर रहता है। तो हम यहाँ पर तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, जो आपका हाईवे से मैं तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि आपको पैदल आना बहुत ही वक्त ले सकता है। सो मैं बीच में कुछ यहाँ का नज़र आपको दिखा रहा हूँ, जो कुछ वक्त यहाँ पर शूट किया हो। सो ये आप नज़ारा देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का होता है। यहाँ पर जो पत्ते का सीन दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है यहाँ पर आप देख रहे के, क्योंकि ये फेमस है सारे वर्ल्ड में जो आसाम के टी है।
ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये सर्दी का मौसम का कुछ सीन है। यहाँ पर सर्दी के इस तरह से आपको मौसम देखने को मिलेगा, जो सीन होता है सर्दी के मौसम में। और एक बात है कि असम का जो टी है ये सारे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि असम का टी बहुत ही आपको अच्छे क्वालिटी का आता है। सो हम टी गार्डन के बाद हम जाने वाले हैं स्विस गेट पर, जो आपको वहाँ पर और भी मज़ेदार सीन आपको देखने को मिलेगा, जो टी गार्डन के नज़दीकी है। यहाँ पर सीन आप देख रहे कि फ़िलहाल बारिश का मौसम है, सो कुछ वक्त कुछ दिन बाद यहाँ पर फ्लड आने वाला है, तो इसका मौसम आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ बंदे यहाँ पर नहा रहे, जो यहाँ पर इसका नज़ारा आपको बहुत ही बचपना याद आ जाएगा कि मैं बचपन में किस तरह से नहाता था। तो हम फाइनली यहाँ पर टी गार्डन घूमने के बाद यहाँ पर स्विस गेट यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। सो यहाँ पर अब इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, तो कितना यहाँ पर जो वाटर का साउंड है ये आपको सान आपको एहसास करना पड़ेगा। ये नेचुरली इसको स्विस गेट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर अब स्विस गेट का बनाने का मकसद यही है कि जो टी गार्डन है ये आपको नज़दीकी में टी गार्डन देखने को मिलेगा। सो ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब ठंड का मौसम पड़ता है तो यहाँ पर वाटर का सप्लाई बहुत ही कम होता है, तो इसमें क्या होता है जो वाटर यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर गेट ये स्विच ऑफ करके इसमें वाटर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जो टी गार्डन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है क्योंकि सर्दी के मौसम में यहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत होता है, इसलिए इसको स्विच गेट बनाया गया है। चलिए आपको स्विच गेट के आपको दिखा रहा हूँ स्विच गेट के कुछ हिस्से, चलिए आप इंजॉय कीजिए। दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जब इवनिंग के वक्त आपको नज़ारा बहुत ही अच्छे हो लगे, क्योंकि सनलाइट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफर हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उम्दा ये प्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफर बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आता है। सो यहाँ पर मैं आज फोटोशूट के लिए नहीं आया, बस यूँ ही घूमने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर इस स्विस गेट का आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ इसका। यहाँ पर अगर फोटोशूट के लिए आएंगे तो बहुत ही ये जो प्लस दिख रहा है आपको इवनिंग के वक्त ही ये प्लस आपको बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मिलेगा। लोकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ पर जो लोकेशन है। सो ये सीनरी आप दिख रहे हैं।
यहाँ पर जो स्विस गेट है यह बहुत ही व्यस्तपूर्ण है, यहाँ पर बहुत ही व्यस्त है क्योंकि इवनिंग के वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गाय है ये ऐसे रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमारे फाइनली यहाँ पर जो आने का मकसद था ये आपको दिखा रहा कि यहाँ पर किस तरह से आपका नज़ारा है पूरा जो नेचरली है। तो यहाँ पर फाइनली मेरे बटे वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही इंजॉय किया आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।